महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का काम सुनिश्चित कराया गया है, परंतु वहीं कौशाम्बी जिले के सादीपुर गांव में 30 लोगों को पिछले एक साल से काम न मिलने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महेश और ये है मेरा समुदाय। परिवार आप कैसे चलाती हैं? परिवार चला रहे भैया, मजदूरी कर रहे हैं 70 रुपए की। 70 रुपए में आपको परिवार चल जाता है? क्या चलता है भैया, कभी पढ़ाई, बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाते हैं, खर्चा नहीं पूरा होता हमारा। तो मनरेगा में तो 156 रुपए मिलता, आप उसमें काम क्यों नहीं करती हैं? मनरेगा में काम तो है, लेकिन जाते हैं काम देते ही नहीं, कभी काम मिलता है तो कहते हैं भरने वाले मनसेरू लाओ तो काम करे, कहाँ से पाए हम मनसेरू ले आए। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 6 लोग। तो आपके पास खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी नहीं है। तो क्या करती हैं आप? मजदूरी, 70 रुपये मजदूरी करती है। तो मनरेगा में 156 रुपए मिलता है, उसमें आप काम क्यों नहीं करती हैं? उसमें लगाते नहीं क्या काम करी, कहीं भराइये लाओ, भराइये कहाँ पाई। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 8 जने। परिवार कैसे चलाती हैं आप? अब मैं मजदूरी करी थी भैया। मजदूरी में कितना मिलता है आपको? 70 रुपये मिला था। तो काम न मिलने से आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे बहुत दिक्कत होती। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? अब यही लड़कन का पढ़ाई लिखाई कहाँ से पाई, हम यही चाहिए थी कि हमें नरेगा मिले। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मनरेगा कानून के तहत 30 लोगों को काम मिले ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसके लिए आप वीडियो के मोबाइल नंबर 99187750 पर कॉल कर दबाव बनाने में आप हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, सादीपुर, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।